भाइयों बाकी बातों की बात, गांव वाले आ गए हैं शहरों में और विदेशों में। हमारे गांव में स्कूल भी पांचवी क्लास तक है, सरकारी एक स्कूल है और एक दुकान है। ऐसे ऐसे करके गांव एक आटा चक्की है, क्योंकि मतलब 30 घर में यार तो ज्यादा थोड़ी होगा। आप बम रेड लिए बम भाई, पलटी सल्टी सारी, ये तो फाइटर किंग है। देखो भाई व्यू आ गया ना टॉप का, जो ये भाई चर्च था ना, इसको कैथेड्रल वोलोमडोमेर्स कैथेड्रल ऐसे करके नाम है यार। तो बहुत पुराना खूब फेमस ये कैथेड्रल है यहाँ का। तो मैंने अभी चेक किया था नेट पे तो पता चला, तो क्या बात है यार। तो पर अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है यार, क्योंकि एम्बेसी में जाना जरूरी है, 6:30 एम्बेसी हो जाएगी बंद, शाम का हो गया टाइम। तो भाइयों इंतजार की घड़ियां हो गई समाप्त और पहुंच गए हैं अपनी एम्बेसी के पास, जिसमें अपने वीजा अप्लाई करना है। तो पहले उसकी चेकलिस्ट लेनी है, फिर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, फिर इस पे अप्लाई करना पड़ेगा भाई। आज फ्राइडे है और मे बी मंडे को ही अप्लाई होगा यार, क्योंकि बीच में मंडे का ही हो ना हो पता नहीं यार, क्योंकि यहाँ पे वो भी आ रहा है, इनका इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। तो देखते हैं कब ओपन रहेगी कब नहीं रहेगी, मे बी कल ओपन रहेगी तो कल अप्लाई कर देंगे। चलो अभी अंदर जाके पूछता हूँ। जो एम्बेसी थी ना वो क्लोज हो गई और मंडे को ओपन होगी भाई। और एक बात और बता दूं, दोपहर को 1 बजे बंद हो जाती है यार। तो उन्होंने बोला भी दोपहर को 1 बजे बंद हो जाएगी, सुबह 10 बजे ओपन होगी। तो चलो अब मंडे को देखते हैं, बाजी मंडे पे जा पड़ी। बाकी देखते हैं, अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे, मंडे को अप्लाई कर ही देंगे, बाकी देखते हैं जो होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ कोई सुपरमार्केट कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि भाई भूख लग गई, घूमते फिरते को लगी जाती है बंदे को। ये भी एक रेस्टोरेंट है देखो, क्या बात है ना, बैठने के लिए जगह देखो कितनी टॉप की बनाई हुई है। अपने को भाई जो चीज अच्छी लग जाती है ना उसको ही शूट कर लेता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री है यार, आपको भी पता लगे ना ये ट्रेन कितना सुंदर है, सुंदर जगह पर शूट करते हैं भाई अपने, तो वो ही अच्छी लगती है यार। किसी भी कंट्री को पता लगे भाई इस कंट्री में ऐसा आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पे आओगे तो, है ना। बिल्डिंग है यहाँ पे भाई सारी सोवियत टाइम की ही है। खाने पीने का सामान भाई अपने फुल ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। और एक फेंटा ले लिया, एक ब्रेड मतलब अच्छा मीठा ब्रेड होता है वो ले लिया, एक चॉकलेट सी ले लिया भाई। और यहाँ पे भी सारी एम्बेसी है यार, मतलब रोड देखो कितना ब्यूटीफुल शानदार है यार, देखो क्या बात है यार। और इस साइड में देखो बिल्डिंग पूरी परफेक्ट एक नंबर भाई, पूरा यार बहुत ही वेल डेवलप्ड है यार। लोग मैं एक बात मेरे को हैरान यार, यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं और वो बोलते हैं भाई शैनगंज जाना शैनगंज, भाई सस्ती कंट्री है, अच्छी खासी रहने का खाने का बड़ा सस्ता, ठीक है, ऊपर से कंट्री बहुत सुंदर है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो शैनगंज में यार पता नहीं क्या है ऐसा, यहाँ पे अगर आप सेटल हो जाओ तो शैनगंज कोई दूर थोड़ी है, नज़दीक ही है, या यूक्रेन वाला पासपोर्ट पे तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई थिंक यहाँ पे सेटलमेंट थोड़ी ही ईजी है रेदर देन शैनगंज एरिया, मुझे लग रहा है ऐसा, बाकी आप रिसर्च कर सकते हो एक बार। तो लोग कुछ लोग यहाँ पे है यार, मतलब MBA करते हैं यहाँ पे, जर्मन सीखते हैं और सीधा जर्मन में जाते हैं। और जर्मन में भाई जो यहाँ से MBA करके और जर्मन लैंग्वेज सीख लेता है ना, B1 B2 लैंग्वेज का कोर्स कर लेता है, उसको भाई जाते ही मेरे हिसाब से 3,500-4,000 यूरो पे रेट है जाते ही पहले मंथली। तो मतलब यहाँ पे इसीलिए MBA करने के लिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आते हैं यार, अच्छी फैसिलिटी देते हैं, सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, ये सस्ती है कंट्री इसीलिए। भाइयों बाकी बातों की बात, गांव वाले आ गए हैं शहरों में और विदेशों में और ऐसी ऐसी कंट्रियों में घूम रहे हैं, देखो यार क्या बात है। तो भाई सोचा है कभी छोटे से गांव से उठ के, जिस गांव में 30 घर होंगे, और उस गांव से उठ के आज वर्ल्ड टूर पे निकला हूँ, तो दुनिया घूम रहा हूँ, क्या बात है यार, इमेजिन करके देखो। और ज़्यादा हमारे गांव में ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं, ऐसे बोलो हाई फाई है, 30 गांव का घर है यार, छोटा सा पंचायत तो चलो बड़ी है, पर हमारे गांव में स्कूल भी पांचवी क्लास तक है, सरकारी एक स्कूल है और एक दुकान है। ऐसे ऐसे करके गांव एक आटा चक्की है, क्योंकि मतलब 30 घर में यार तो ज़्यादा थोड़ी होगा, आप सोच सकते हो, लिमिटेड सामान है और उस लिमिटेड में से अनलिमिटेड हो रहा है काम, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बाकी आप बताओ क्या आपको क्या कैसा फील हो रहा है, ऐसा होता है तो ये तो एक अजूबा हो रहा है। तो
खुशी हो रही है यार, वाकई में बहुत खुशी हो रही है। मतलब इस खुशी को बयान कर भी नहीं सकते यार, ऐसी खुशी है ये। क्योंकि यार विदेश में घूमना गांव वालों के लिए एक सपना होता है, सपना ही रहता है, पर मैं उस सपने को पूरा कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। ये उसी कैथेड्रल के पास आ गए खा पी के, जहाँ से अपने निकले थे ना वैसी कहते, तो देख सकते हो भाई क्या बात है। इतना पुराना होगा यार ये, कितना पुराना होगा आप अंदाजा लगा सकते हो इसका। एक बात बताऊं, और अभी भी इसको इतना मतलब सेफ रखा हुआ है ना, क्या कहूँ बात यार, बहुत ही ज़्यादा सेफ रखा हुआ है। तो मैं अभी अंदर जाके देखता हूँ, बहुत ही खूबसूरत होगा यार ये अंदर से। तो भाई क्या बात है यार, वाकई में हैरान करने वाली बात है। देखो भाई सच में यार मानना पड़ेगा यार, क्या बात है। लोग कैंडल जगाते हैं यहाँ पे सारा कुछ। ये देखो पता नहीं ताबूत बने हुए हैं क्या है भाई, कुछ नहीं पता अपने तो इसके बारे में, पर देख के अच्छा खासा पता लगता है। एक भाई को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे खड़ा रो रहा है यार, पता नहीं क्यों, ये वाला भाई रो रहा है यार। तो भाइयों ये है गोल्डन गेट, जो यहाँ के कीव के सिटी का गोल्डन गेट है। और देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है, इस साइड में रोड है आगे से जाके डाउन हो जाता है, और इस साइड में अप है, अपने को जाना है इस साइड में एक दूसरा कैथेड्रल है वहां पे जाना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये 1017 यार, आज से 1100 साल पहले ये बनना स्टार्ट हुआ था, और 1024 में बन के कम्प्लीट हो गया, और 1982 में सोवियत अथॉरिटी द्वारा ये दोबारा रिकंस्ट्रक्टेड किया गया, ये लकड़ी लुकड़ी का बनाया गया। बाकी अभी इसके अंदर का अलाउड है नहीं मेरे को लगता है, क्योंकि 15 जो इनकी 24 अगस्त आ रही है ना इसकी वजह से। बाकी बहुत ही खूबसूरत है यार ये गोल्डन गेट, मतलब लकड़ी का ये जो पार्ट है ना साइड में बना हुआ है, ये 1982 में दोबारा रिकंस्ट्रक्टेड किया गया था, सोवियत जो रशियन गवर्नमेंट थी ना उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था दोबारा। तो मैं अभी जा रहा हूँ दूसरे, यहाँ पे कैथेड्रल बने हैं बहुत सुंदर सुंदर, तो भाई वहाँ पे जा रहा हूँ। और ये आपने देख ही लिया, और इस साइड में जाके आगे सेंटर आ जाता है जो कीव का है, पर अपने सेंटर में तो बाद में जाएंगे, पहले जाता हूँ मैं वहाँ पे सामने बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है यार ये तो, पूरे तगड़ी चीज है। ये रात मैंने देख ली थी, अब आपको दिखाने के लिए देख रहा हूँ। भाई पहुंच गया हूँ एक अच्छी सी लोकेशन, जो आपको मैंने बोला था मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी एक कैथेड्रल है यार, और ये है भाई देखो क्या बात है, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, और अंदर जाके भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले ये देखो, ये ओल्ड कीव के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। और ये सारी बिल्डिंग पुराने टाइम की है, और ये पूरा मतलब यार वो सामने भी वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, वहां पे भी लेके जाऊंगा, बहुत खूबसूरत है वो भी यार। उससे पहले आपको ये दिखाता हूँ अभी, ठीक है चलो अंदर। भाइयों एंटर करने से पहले आपको बाहर मिल जाएगा ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना इसका डिजाइन, क्या बात है यार, एकदम आग लगा रहा है ये तो, मेरे को तो वाकई में बहुत पसंद आया यार, कैसे लगा बताओ, एकदम है ना धांसू पूरा ये डिजाइन है भाई, अंदर जाके तो आग लगा देगा भाई आग। चलो आपको अभी दिखाते हैं बाहर जाके, सॉरी अंदर जाके भाई। भाइयों टाइम हो गया है अभी बता दूं आपको 7:02, और इन्होंने बोल दिया क्लोज हो गया, क्योंकि ये 7 बजे क्लोज होता है, और टाइम अभी आप देख सकते हो 7:02 हो गए हैं, और इंडिया का 9:32 शाम के हो गए भाई, 9:32 हो गए और क्लोज हो गया, भाई साहब ने बोल दिया सी यू टुमारो, तो भाई बंद हो गया, लेट हो गया ना अम्बेसी मूसी के चक्करों में, बहुत भागा दौड़ी की है, और बीच में घर पे बात करने लग गया था, नहीं तो मैं भी आ जाता। पर इसकी टिकट भी बता दूं आपको, 125 ग्रेबियन टिकट है इसकी, और अंदर आप घूम सकते हो, वो भी सारे प्लेस अभी इन्होंने बोल दिया भी क्लोज हो चुके हैं। तो अब सुबह का देखते हैं क्या प्लान होता है, वापिस यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कमेंट में बता दो भाई, अगर आप अंदर से देखना चाहते हो तो कमेंट में बताओ, और नहीं चाहते हो तो भी बता दो, ठीक है। तो अभी मैं चल रहा हूँ वहाँ पे सामने, तो ये यहाँ का वैसे ही एकदम तगड़े वाला कोई राजा किंग है यहाँ का,
तो इसकी यहाँ पे पूरी एकदम यहाँ पे बना रखा है इन्होंने स्टैचू। मेरे को बहुत पसंद आया ये प्लेस, क्वाइट है, बहुत क्लीन है, बहुत बड़ा है, सफाई बहुत है। तो यार ऐसे प्लेस हर सिटी में होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ मेरे गांव में भी होना चाहिए। मे भी हो जाएगा यार, चल रहा है वहाँ पे, हमारे गांव में काम चल रहा है, ऐसा बनने जा रहा है, अच्छा खासा पार्क वर्क लगा के तैयार हो रहा है, पर काम अभी बीच में पड़ा है। चलो जब तक मैं घर पे जाऊंगा बन जाएगा। अभी देखो एकदम पीछे का व्यू देखो, एकदम चकास चकास बोले तो 15 अगस्त 24 अगस्त की तैयारी के लिए यार पूरे हेलीकॉप्टर के द्वारा पूरे रैलियां निकाली जा रही है और बहुत ही खूबसूरत माहौल बन रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे दिन निकलेंगे काम वैसे वैसे एंड हो जाएगा, और भाग के निकल जाता हूँ भाई मैं क्योंकि स्पीडी आपका भाई तो निकल गया हूँ भाग के। देखो यार ये गुलाबी, ये तो जयपुर में होनी चाहिए गुलाबी, पिंक सिटी की बिल्डिंग यहाँ पे आ रखी है। देखो यार बहुत ही खूबसूरत है यार, भाई पलटी सल्टी सारी, ये तो फाइटर किंग है, तगड़ा काम चल रहा है यहाँ पे। मतलब यार 24 अगस्त का तो तूफानी काम होगा भाई, इधर तूफानी जरूर देखेंगे यार, 100% देखेंगे, मजा आ जाएगा। और ये कुछ बिल्डिंग है यार इस साइड में है जो पुरानी है, ओल्ड टाइम की है। और अभी पीछे का व्यू देखो यार, बहुत ही खूबसूरत है। देखो और आगे फाइटर किंग भाई, ये देखो भाई साहब यहाँ पे थे कमाल हो गया, टोयोटा कंपनी के ट्रैक्टर चल रहे हैं और वो भी कूड़ा ढोते हैं। देखो पुराना ट्रैक्टर है, आज का नहीं है। देखो मर्सिडीज और टोयोटा का आगे निशान लगा रखे, नीचे फोर्ड का भी लगा रखा, पता नहीं कंपनी कौन सी है यार, टोयोटा का नहीं है ये तो भाई, रोड गोड है। पर आगे इसकी हब देखो, बहुत ही तगड़ा काम हो रहा है। ये देखो हब भाई, इसकी ब्रेक हब नहीं होती, कितना तगड़ा जुगाड़ कर रखा है इन्होंने। कुछ लोग यहाँ पे शांति देवी नहीं, शांति जो सुकून होता है वो लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, पार्कों में बैठते हैं। कितना खूबसूरत पार्क वर्क का माहौल बना रखा है, कुछ प्रेमी जोड़े बैठे हैं, कुछ कुछ भी बैठे हैं, लोग बूढ़े बैठे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है यार पार्कों में। यहाँ पे बहुत ही अच्छी यहाँ फीलिंग ही पॉजिटिव है यार। एक बात बताऊँ, मैं एक चीज देख के हैरान हूँ यार, अच्छी फीलिंग आती है जब अच्छी जगह होती है। तो अभी ये गाड़ी आ रही है, मैं निकलूंगा, ये गाड़ी रुकेगी मुझे पता है, क्योंकि यहाँ का नियम है भाई, फर्स्ट प्रेफरेंस जो पैदल चलते हैं उनको। मैं निकल गया, गाड़ी निकल गई पीछे से, मर्सिडीज टॉप क्लास है देख लो भाई, सेडान है ना। पर फर्क नहीं है यहाँ पे, जो पैदल चल रहा है उसको वैल्यू फर्स्ट दी जाएगी यहाँ पे। चर्च बंद हो गया था, हो गया पता नहीं, पर यहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, रात में देख के गया था और अभी पूरा वहाँ पे सजा धजा पड़ा है भाई देखो। और उस साइड में वो पीछे कैथेड्रल है और यहाँ पे प्रोग्राम पूरा सजा हुआ है, पूरा लॉक किया हुआ है यार ये तो, इस साइड से और उस साइड से सारा लॉक किया हुआ है। अपने को पता नहीं जा सकते हैं कि नहीं, मेरे को लगता पॉसिबिलिटी नहीं है इधर से जाने की, पर कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना उधर जाने के लिए। तो भाई तो मैं ट्राई करता हूँ जाने की, लोग जैसे आ रहे हैं देखो यार, पूरा व्यू देखो अभी क्या बात है। और इस साइड में देखो प्रोग्राम, यूरोपियन कंट्री में ऐसे लगे रहते हैं यार, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गली मोहल्ले सड़कों पे स्ट्रीट प्रोग्राम चलते रहते हैं, यही तो यहाँ की खासियत है। और सफाई देखो यार, देख लो, मानते हो कि नहीं, ये चीज ही इन कंट्रियों को टूरिस्ट ज्यादा देती है, जहाँ पे सफाई ज्यादा होगी वहां पे टूरिस्ट ज्यादा जाएंगे भाई, कॉमन सी बात है। इस प्रोग्राम का जितना तगड़ा ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ ना, छोटी मोटी चीज नहीं हो सकती, बड़ा ही भाई सिक्का है काम, तगड़ा ही काम किया हुआ, बहुत बड़ा इन्होंने इतने बड़े पब्लिक प्लेस को रोक के रखा है, तो तगड़ा होना ही है यार। अब भाइयों ये बिल्डिंग देख लो, बड़ी तगड़ी बिल्डिंग बना रखी है यार, कितने तगड़े इसके पिलर है, कितना इस पे पैसा लगाया हुआ, और है पता नहीं क्या यार, कोई म्यूजियम है, नेट पे तो दिखा नहीं रहा कुछ इसका, बिल्डिंग तो मैंने देख लिया पर कुछ दिखा नहीं रहा। पर जो कैथेड्रल एक बिलीनियर कसिनो है भाई, बिलीनियर जहाँ पे तगड़े लोग आते हैं ना, इसी रोड पे है, पीछे जाके है, मैंने देखा मैप पे, पर अपने काम का नहीं है भाई वो। तो अभी अपने जा रहे हैं, जो ये माइकल
डायमंड ऐसे करके ये कैथेड्रल ही है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत है यार, गोल्डन डायमंड ऐसे करके यार बहुत खूबसूरत है। क्लोज हो गया है पर अपने जाके देख के आने से कोई बड़ी बात नहीं, जाके देख के आ सकते हैं। तो यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं यूक्रेन की, हर जगह मिल जाएंगे यार। अभी तो माहौल चल रहा है ना, इनका दिवस आ रहा है, कोई आतंकवादी ना आ जाए इसीलिए। भाइयों ये है यहाँ पे एंट्री गेट यार, 7 बजे के बाद यही बंद है, पर इसका व्यू नहीं ले पा रहा हूँ। आई थिंक उस साइड से जाता हूँ, कोई ना कुछ व्यू मिल जाए तो नीचे जाके जाना पड़ेगा। पीछे जितना व्यू यार वो दूर से ही मिल रहा है, नज़दीक से यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, तो दूर से जाके लेते हैं व्यू। तो एक बात मैं आपको बता दूं यार, कहीं भी कोई भी कंट्री में जाओ ना, पुलिस वाले से डरना नहीं है, वो ऐसे ट्रीट करना उनके साथ, वो भी एक इंसान है ना, तो इंसान के साथ कैसा बर्ताव कर सकता है। हाँ एक बार वो रूड हो सकते हैं, पर अगर आप डरते हो तो और ज़्यादा वो आपको दिखाएंगे भाई। आपको डरना नहीं, उनके साथ में कॉन्फिडेंस रहना है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है।